जय हिंद ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। आज हम लोग क्लास नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। आप सभी को पता है क्लास 1st में मैंने बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1st जो कि फिजिकल वर्ल्ड था उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, और उसी का सेकेंड पार्ट जो यूनिट नंबर 1st थी उसका सेकेंड पार्ट हमारा रह चुका था, वो था यूनिट एंड मेजरमेंट, या मेजरमेंट एंड यूनिट्स बोल सकते हैं। उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअल में फिजिक्स का वर्ल्ड है कैसा, किस तरीके से फिजिकल वर्ल्ड डेवलप हो रहा है, कैसा है वो, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 मेजरमेंट एंड यूनिट्स। चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1 का चैप्टर 2 हमारा जो है ऑब्जेक्टिव पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मेजरमेंट एंड यूनिट। और ये सारी चीज़ें बेसिक्स है, याद रखें फिजिक्स के ये सारी ही चीज़ें क्या है, बेसिक्स हैं, तो इन्हें हम लोग आज देखने वाले हैं। पहला है मेजरमेंट्स ऑफ एंड यूनिट्स। तो पहली चीज़ ये कि नीड ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट की एक्चुअल में नीड है क्यों, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। क्यों नीड है, तो एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड। ये इम्पॉसिबल है एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड को जानना ऑफ अ क्वान्टिटी या क्वालिटी ओनली बाय आवर सेंस। मतलब मैग्नीट्यूड की क्वान्टिटी को हमारे सेंस से जानना इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए नीड ऑफ मेजरमेंट होता है। फिर है यूनिट। यूनिट क्या होता है, इन विच द फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड। ये वो क्वांटिटी होती है, ये वो यूनिट होती है जिसमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र किया जाता है। जैसे कुछ चीज़ें स्पेसिफाइड होती है जिससे हमें समझ में आता है कि किस चीज़ की बात हो रही है। जैसे मैं अगर यूनिट बोलूं किलोग्राम तो हमें कुछ समझ में आता है, ग्राम या किलोग्राम बोलूं मीटर, मैं दो यूनिट की बात करता हूं। मैंने अगर बोला किलोग्राम तो आप बोलेंगे किसी सॉलिड स्टेट के बारे में बात हो रही है, किसी सब्सटेंस के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको बोला मीटर किलोमीटर तो आप बोलेंगे कि सर किसी लेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्पेसिफिक यूनिट्स जो कि स्पेसिफाई करती है किसी भी टर्म को। अगर मैं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूं तो आप नहीं समझ पाएंगे, मैंने बोला 55 और छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं बोला, तो आप नहीं समझ पाएंगे कि सर किस ओर हमें इशारा कर रहे हैं। लेकिन मैंने अगर बोला कि 55 मीटर तो आपको एक्चुअल इतना तो समझ में आएगा, एटलीस्ट ये तो आपको समझ में आएगा कि सर लेंथ की बात कर रहे हैं, किसी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, किसी डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं यूनिट्स। तो दो चीज़ें हम लोगों ने देखी स्लाइड में, नीड ऑफ मेजरमेंट एंड यूनिट्स क्या होती है, इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1st, सॉरी क्लास 1st में फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। मैंने डेफिनेशन बताई थी, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। वो सारी क्वांटिटीज जिसे मापा जा सकता है, फॉर्मूले के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, वो होती है फिजिकल क्वांटिटीज। कोई भी चीज़ का अगर हम लोग बात करें, ह्यूमन फीलिंग्स की बात करें, तो वो क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती, क्योंकि उन्हें प्यार से मापा नहीं जा सकता। जैसे मैंने बोला लव, मैंने बोला हेड, मैंने बोला हेट, मैंने बोला सेड, सेडनेस किसी की मापना है, तो हम तो ये नहीं बोल सकते कि इसको 4 किलो दुख है कि 8 किलो दुख है, ये तो नहीं बोला जा सकता। ये होती है फिजिकल क्वांटिटी जिसे मेज़र किया जा सकता है। चलिए क्लासेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो क्लासेस भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे हमारी क्लास 1st में, क्लासेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी और टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। क्लासेस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी 2 होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। चलिए देख लीजिए क्लासेस क्या होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बोला था फंडामेंटल क्वांटिटी हमेशा फन में रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि फन में जो व्यक्ति रहता है वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, मीन्स इंडिपेंडेंट होती है आपस में। और डिराइव्ड यूनिट जो होगी, डिराइव यूनिट जो होगी वो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी अपने मेजरमेंट के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले फंडामेंटल क्वांटिटी को मैं बोल दूँ, तो वो होगी लेंथ, टाइम, मास, ये सारी चीज़ें फंडामेंटल क्वांटिटी होगी स्टूडेंट्स। और डिराइव क्वांटिटी जो इन पर फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस्ड ही एक्सप्रेस होती है, वो सारी क्वांटिटीज डिराइव क्वांटिटीज होती है। इज दैट क्लियर।
नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे हम लोगों ने बोला कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत होती है, उसके कितने सिस्टम होते हैं, तो फिजिक्स में फोर सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती हैं, वो देख लीजिए। लिखा है द फॉलोइंग फोर सिस्टम आर कॉमनली यूज फॉर यूनिट्स। फर्स्ट वन इज एमकेएस सिस्टम, सेजियस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम एंड इस एसआई सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला आपको दिख रहा है एमकेएस सिस्टम, एक बात ध्यान रखना, इनके फुल फॉर्म भी बताएंगे कि कौन से सिस्टम की यूनिट है। एमकेएस, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। तो मीटर को हमेशा लेंथ में मेजर करते, इतना तो कॉमन सेंस हम यूज़ कर सकते हैं। के किलोग्राम मतलब किसी भी सब्सटेंस मास की बात हो रही है, और एस सेकेंड टाइम। ओके, तो एम के सिस्टम फुल फॉर्म याद रखें, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम की बात हो रही है। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। नेक्स्ट वन इज सीजीएस सिस्टम, सेकेंड सिस्टम कौन सा है, सीजीएस सिस्टम। यहाँ आपको दिख रहा है इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, मैंने बोला फुल फॉर्म याद रखना सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, इसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, ये जो शॉर्ट टर्म्स दी हुई है इनके फुल फॉर्म, सेंटीमीटर में लेंथ को, ग्राम मास सेकेंड टाइम। ओके, ये दो थे सिस्टम हमारे। नेक्स्ट एफपीएस सिस्टम, इन दिस सिस्टम एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकेंड। इन दिस सिस्टम द लेंथ, यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, द यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। अब फुट कितना होता है, वन फुट इज इक्वल होता है 30.48 सेंटीमीटर। ओके, और पाउंड जो होती है मास की यूनिट होती है, वन पाउंड इज इक्वल होता है 453.592 ग्राम। ठीक है, तो इनका कन्वर्जन आप लोग याद रखें कि वन फुट इज इक्वल टू होता है 30.48 सेंटीमीटर को आप मीटर में आसानी से चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वन मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड द 100 ग्राम इज 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 kg। ओके, ये पाउंड की यूनिट हो गई। लास्ट वन इज अवर एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम। दिस सिस्टम इज मॉडिफाइड फ्रॉम द एमकेएस सिस्टम। ये सिस्टम कहाँ से मॉडिफाइड हुआ है, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट से, एमकेएस सिस्टम से ये मॉडिफाइड है। एसआई सिस्टम मीन्स होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। इज दैट क्लियर? और ये दो कन्वर्जन आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, फुट एंड पाउंड, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ मास एंड द लेंथ। एंड द नेक्स्ट वन इज फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट्स की बात करें हम लोग। जैसे हम लोगों ने क्लासेस ऑफ क्वांटिटी पढ़ा, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा, वहाँ पर दो क्वांटिटीज़ की जो क्लासेस थी वो थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम लोग यूनिट्स की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल क्वांटिटी की जो यूनिट होगी उसे क्या बोला जाएगा, फंडामेंटल यूनिट, और जो डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट होगी वो होगी डिराइव्ड यूनिट। तो पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है। इसमें लिखा है द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पर डिपेंड नहीं करती, वैसे ही इसकी यूनिट भी, सिंपल सी बात है, क्वांटिटी से ही यूनिट बनेगी, तो डिपेंड नहीं करेगी किसी पर कि, और इसे ना तो कन्वर्ट किया जा सकता है किसी के साथ। तो लिखा है द यूनिट्स विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर एंड और विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर आर कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट्स। इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स में यूनिट ऑफ द लेंथ, मास एंड टाइम आर द फंडामेंटल यूनिट। ऑब्जेक्टिव्स के लिए ध्यान रखें। ओके, नेक्स्ट डिराइव्ड यूनिट्स, सिंपल सी बात है, ये डिपेंड करेगी और फंडामेंटल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव्ड यूनिट बनेगी। द यूनिट्स विच आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इच अदर एंड दे आर ऑब्टेंड फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स, ऑब्वियसली जैसे हम लोगों ने बोला था, आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। फॉर एग्जाम्पल द यूनिट ऑफ एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटीसी, वर्क, सारी चीज़ों के लिए आपको फंडामेंटल यूनिट की मदद लेना ही पड़ेगी। नेक्स्ट यूनिट फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ऑब्जेक्टिव पर्पज से इसे याद रखना, यूनिट्स फॉर एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के लिए कौन कौन सी यूनिट्स यूज होती है, जो कि ऑब्जेक्टिव पर्पज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फॉलोइंग आर द थ्री यूनिट्स मेनली यूज टू एक्सप्रेस
द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तीन यूनिट्स ऐसी है जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मीन्स एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड यूनिवर्स में डिस्टेंस को मेजर करती है, वो होती है थ्री यूनिट्स। कौन कौन सी है उन्हें हम लोग देखेंगे। चलिए पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पहला ही नाम दिया है आपको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं AU, आपको फिजिक्स में देखने को मिलेगा AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, मीन डिस्टेंस मीन्स मीन डिस्टेंस किसके किसके बीच की बोल रहा है उसने, अर्थ और सन के बीच की मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में टेकन किया जाता है, लिया जाता है, और इसका सिंबल मैंने जैसे बताया आपको AU होता है, और 1 AU इज इक्वल टू होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। ओके, ये डिस्टेंस याद रखना, 1 AU इज इक्वल टू मीटर में फॉर्म होता है 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, और AU मतलब क्या, मीन डिस्टेंस टेकन करने के लिए यूज होता है किसके बीच में, अर्थ एंड द सन, दैट इज कॉल्ड द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एंड द नेक्स्ट वन इज लाइट ईयर, वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस, वन लाइट ईयर दैट इज द डिस्टेंस यूनिट, वन लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स वैक्यूम इन वन ईयर, एक साल में, वन ईयर में कितनी लाइट ट्रेवल होती है, ये भी डिस्टेंस है। द सिंबल ऑफ लाइट ईयर इज स्मॉल एल वाई, वन लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46, वन लाइट इज ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू पावर 12 किलोमीटर, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, द यूनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी, और ये यूनिट क्या करती है, एक्सप्रेस स्टार्स और गैलेक्सीज के बीच में, जैसे मैंने बोला यूनिवर्स में डिस्टेंस को मेजर करने के लिए लाइट ईयर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है पार्सेक, एक और यूनिट है इसकी पार्सेक। इन दिस इट इज द डिस्टेंस ऑफ एट विच द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सस्टेन एंड एंगल ऑफ 1 degree एट द सेंटर ऑफ द सन, सन पर कितना एंगल सस्टेन करती है उसे पार्सेक में लिया जाता है, और 1 parsec इज इक्वल टू होता है 3.084 इंटू 10 टू पावर 16 मीटर, और 1 parsec को अगर आप लोग लाइट ईयर के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 3.26 लाइट ईयर। इज दैट क्लियर, ये क्वांटिटीज के कन्वर्जन बिल्कुल याद रखिएगा आप लोग। These are the three unit of astronomical distance. Next one is units for atomic molecular distance. Atomic and molecular distance के लिए कौन सी units use होती हैं वो है, पहला है micro. Micro is smaller unit of length, याद रखें micro सबसे small unit होती है length की, 1 micro is one of the, सबसे नहीं बोल सकते लेकिन यहाँ पर atomic structure से related अगर बोले, micro is a smaller unit of length, 1 micro is 1 millionth part of meter, 1 millionth part होता है meter का, its symbol is mu, that is the symbol of mu, it is also written as micrometer, और इसका symbol दिया हुआ है micrometer का कुछ symbol इस तरीके से दिया है, और this unit is used to express the size of bacteria in zoology. Zoology में size of bacteria को measure करने के लिए micro का use किया जाता है, तो micro की smaller unit होती है molecular और atomic physics से related अगर हम बात करें तो, और use इसका याद रखें micro का use कहाँ होता है, this unit is used to express the size of micrometer, और when micro is equal to होता है 10 की power minus 6 meter, मीटर सेंटीमीटर में लिखना चाहे 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर, और मिलीमीटर में 10 की पावर माइनस 3 मिलीमीटर। नेक्स्ट एंगस्ट्रॉम यूनिट, एंगस्ट्रॉम यूनिट क्या होती है, इट इज द स्टिल स्मॉलर यूनिट ऑफ लेंथ, ये भी एक स्मॉलर यूनिट है, 1 angstrom इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 10th पार्ट एज अ मीटर, इट्स सिंबॉल इज एंगस्ट्रॉम, 1 की पावर इस तरीके से एंगस्ट्रॉम का सिंबॉल होता है, that is the symbol of angstrom, 1 angstrom is equal to 10 ki power minus 10 meter, this unit is sized to express the size of atom in atomic physics, size of atom ke liye angstrom unit ka use hota hai, aur 1 angstrom is equal to hota hai 10 ki power minus 10 meter. The next one is nanometer, nowadays nanometer is used instead of angstrom, aajkal hum log
नैनोमीटर का यूज कर रहे हैं किसकी बजाय, एंगस्ट्रॉम की बजाय, टू एक्सप्रेस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10^-9 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10^-1 नैनोमीटर, दैट इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड द नैनोमीटर। नेक्स्ट वन इज फर्मी। दिस यूनिट ऑफ लेंथ इज यूज टू एक्सप्रेस द न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज को एक्सप्रेस करने के लिए फर्मी का यूज किया जाता है। इसका सिंबल होता है F। ठीक है, फर्मी का यूज किया जाता है, सिंबल होता है स्मॉल F। इट इज ऑल्सो रिटन एज फेम्टोमीटर। इसे फेम्टोमीटर मीन्स सिंबल FM के नाम से भी जाना जाता है। और 1 फर्मी इज इक्वल होता है 10^-15 मीटर। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये थी हमारी पूरी यूनिट्स जो कि फिजिक्स में लेंथ से रिलेटेड यूनिट्स होती है, यूनिट ऑफ लेंथ होती है, वो हम लोगों ने पढ़ी। कुछ 5, 4, 3, 7 यूनिट्स हम लोगों ने, मेन चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी। उनकी यूनिट्स ध्यान रखना, उनका कन्वर्जन ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट की एक्यूरेसी क्या होती है, मतलब अगर कोई आप लोगों ने मेजरमेंट लिया तो 100% है वो होती एक्यूरेसी। अगर ये करना है फाइंड तो आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाना होगा और फॉर्मूला होगा एक्चुअल मेजरमेंट माइनस मेजर्ड वैल्यू अपॉन एक्चुअल मेजरमेंट इनटू 100% इज इक्वल टू द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ये फॉर्मूला आप लोग यूज़ करना। एक्चुअल मेजरमेंट मतलब आप लोगों ने क्या मेजरमेंट आना चाहिए था, आपकी वैल्यू कितनी आई, उसको सॉल्व करके इस तरीके से पता चल जाएगा कि कितनी एक्यूरेसी रही। नेक्स्ट है एरर्स इन मेजरमेंट। बिल्कुल 110% एरर होगी ही होगी, और वो कौन से एरर्स हो सकती है, क्योंकि 100% कोई भी इफिशेंसी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट 100% एफिशेंसी शो ऑफ नहीं करता है, इसलिए उसमें कुछ न कुछ एरर ज़रूर होगी। वो क्या होती है, तो पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि एरर होती क्या है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट एन एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ये बिल्कुल असंभव है किसी भी एब्सोल्यूट मेजरमेंट को फाइंड करना किसी फिजिकल क्वांटिटी के, एज इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड ऑब्जर्वर हैज़ अ लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, और उसकी कुछ ना कुछ लिमिट ऑफ एक्यूरेसी जरूर होगी। द अनसर्टेनिटी ऑफ अ मेजरमेंट इज कॉल्ड द एरर। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कुछ तरीके की अनिश्चितता को ही क्या बोला जाता है, एरर बोला जाता है मेजरमेंट से रिलेटेड। काइंड्स ऑफ एरर कितनी होती है, अ मेजरिंग मेजरमेंट कैन हैव द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ एरर। इनके फिर सब पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। 2 प्रकार के एरर होती है, एक होता है सिस्टमेटिक और एक होता है रेंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर और रेंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, पहला दिया हुआ है सिस्टमेटिक एरर, द एरर अराइजिंग इन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू एरर इन कंस्ट्रक्शन। अगर इंस्ट्रूमेंट को कंस्ट्रक्ट करने में कोई एरर आ रही है, और ऑफ इंस्ट्रूमेंट इनकम्प्लीट टेक्निक, अगर हम लोग जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं वो इनकम्प्लीट रही, टाइम टेकन बाय मेजरमेंट, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी एंड पर्सनल एरर ऑफ ऑब्जर्वर आर कॉल्ड द सिस्टमेटिक एरर्स। दस द फॉलोइंग एरर्स आर इंक्लूडेड इन दिस टाइप ऑफ एरर्स, और इसके अंदर अंतर्गत कितनी एरर्स आ रही है उसके बारे में हम लोग देखेंगे सिस्टमेटिक एरर के अंदर। चलिए, पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। दिस एरर अराइजेस बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इट्सेल्फ। ये इंस्ट्रूमेंट के कारण होने वाली एरर होगी। इट कैन बी द फॉलोइंग ऑफ 3 एरर्स, और इंस्ट्रूमेंटल एरर के भी कुछ टाइप्स हैं, उसमें से पहला है 0 एरर। ये क्यों आती है एरर, ये अगर इंस्ट्रूमेंट में हम लोगों ने 0 को मेजर करने में थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट को इधर उधर कर लिया, जैसे वर्नियर कैलिपर्स में 2 यूज़ होते हैं, एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है। अगर मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आप लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो इसे समझेंगे कि वर्नियर स्केल और मेन स्केल का 0 जब रीडिंग लेना स्टार्ट किया तो दोनों ही 0s एक दूसरे के साथ क्वाइट करना चाहिए, तो उसे बोला जाएगा रॉन्ग या फिर 0 एरर होगी अगर नहीं एक दूसरे को लैप्स कर रहे हैं तो। ठीक है, दिस एरर इज ड्यू टू रॉन्ग मार्किंग ऑफ 0 ऑन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंटल एरर के टाइप बात कर रहे हैं हम लोग। फिर है एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है, इच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, लिमिट होती है उसकी, इसी लिमिट तक ये एक्यूरेसी को मेजर कर सकता है, विच डिटरमाइंड बाय इट्स लिस्ट काउंट। द एरर ऑफ मेजरिंग अराइजिंग बिकॉज ऑफ लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड
परमिसिबल एरर और एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट, इट इज़ जनरली एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। और इसे किस में एक्सप्रेस किया जाता है? परसेंट में, कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितनी परमिसिबल एरर है, तो 10%, 12% परसेंट में इसे दिया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट एरर। कॉन्स्टेंट एरर क्या होती है? द एरर अराइजिंग बिकॉज ऑफ रॉन्ग कैलिब्रेशन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द कॉन्स्टेंट एरर। ठीक है, अगर कोई चीज़ बनाई हम लोगों ने और उसमें रॉन्ग कैलिब्रेशन हो रहा है तो उसे कॉन्स्टेंट एरर बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल एरर। द एरर अराइजिंग बिकॉज ऑफ, ये सारे तीन पार्ट जो हम लोगों ने पढ़े ये इंस्ट्रूमेंटल एरर के फॉर्म थे। इंस्ट्रूमेंटल एरर के फर्स्ट पार्ट किसका था? सिस्टमेटिक एरर। मतलब ये कि जनरली एरर टू टाइप्स की होती है, सिस्टमेटिक एरर एंड द सेकेंड वन इज रैंडम एरर। देन फिर सिस्टमेटिक एरर का फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का थ्री पॉइंट जिसे हम लोगों ने सब पार्ट में ए बी सी नाम के दिया है। ए मतलब था हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर से रिलेटेड, सिस्टमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर जीरो एरर उसका पार्ट था, इंस्ट्रूमेंटल एरर का जीरो एरर, एरर ड्यू टू लिस्ट काउंट एंड द कॉन्स्टेंट एरर। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ सिस्टमेटिक एरर इज एक्सटर्नल एरर। द एरर अराइजिंग बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के इफेक्ट के कारण जो एरर्स आती है उसे बोला जाता है एक्सटर्नल एरर, जो कि बाहर की तरफ से आती है। जो कि फिजिकल क्वांटिटी की एक्सटर्नल एरर्स कौन कौन सी, किसके कारण आएगी? तो वो होगा प्रेशर, टेम्परेचर, etc. इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एरर। मतलब जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं तो टाइम के फ्लो में हम लोगों ने मान लो कभी जो इंस्ट्रूमेंट से एरर निकाली, या हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कर रहे हैं 0 degree पर ले लिया, कभी 3 degree centigrade पर ले लिया, तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी जो कि किसके कारण होगी? एक्सटर्नल कॉज के कारण होगी, दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल एरर। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन के कारण थर्ड पार्ट है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन क्या होती है। दिस एरर अराइजेज बिकॉज ऑफ इम्परफेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में ही पूरी तरीके से परफेक्शन नहीं होता, इम्परफेक्शन मीन्स परफेक्शन का जस्ट अपोजिट, तो उसे बोला जाता है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। फिर है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या होती है? द एरर अराइजिंग एज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस, हमारी खुद की केयरलेसनेस, ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण जो एरर आएगी उसे बोला जाता है पर्सनल एरर। ठीक है, फिर है सेकेंड पार्ट जो कि एरर का मेन पार्ट है सेकेंड वाला, वो है रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है? इफ एन ऑब्जर्वर मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी अ नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्टेन डिफरेंट रीडिंग्स, अगर कोई ऑब्जर्वर रीडिंग बार बार ले रहा है और हर बार उसकी वैल्यू क्या आ रही है? अलग अलग आ रही है, तो इस एरर को बोला जाता है रैंडम एरर। फिर है सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होती है? सिग्निफिकेंट डिजिट, द नंबर ऑफ डिजिट नॉन एक्यूरेटली इन द मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी आर कॉल्ड द सिग्निफिकेंट डिजिट। सिग्निफिकेंट डिजिट होती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, इन द फॉलोइंग, फॉर एग्जाम्पल इन द लेंथ 1.7 centimeter देर आर टू सिग्निफिकेंट डिजिट। जीरो काउंट नहीं होती, अगर आगे लगे हुए जीरो से तो काउंट नहीं होते, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू काउंट होगी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन, जो कि पहली क्लास में मैंने बताया था कि डायमेंशनल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है, तो डायमेंशनल एनालिसिस के लिए मैंने आपको बताया था कि मेन थ्री टर्म्स यूज की जाती है, मास, एम, लेंथ एंड द टाइम। और जो जिस बार फार्मूले में जितनी बार आया है उसके अकॉर्डिंग आपको डायमेंशनल फार्मूला शो करना होता है। तो अलग अलग टाइप के, जैसे मुझे पता है कि एरिया का मुझे निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स दो डायमेंशन यूज हुई, हम इसे फॉर्मूले में लिखना चाहें तो यूनिट होगी मीटर का स्क्वायर। अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो आपको दिख रहा है मास नहीं है, मतलब जीरो, एल की पावर टू, टी की पावर जीरो, दैट इज द डायमेंशनल एनालिसिस। आप हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला इस तरीके से बना सकते हैं। इज दैट क्लियर? हम लोगों ने जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज क्लास फर्स्ट में पढ़ी थी, इसीलिए मैंने डेफिनेशन सबसे पहले ही आपको कंप्लीट करवाई, क्योंकि वहाँ पर आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी, यूनिट कैसे बनती है, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनता है, और बार बार ये चीज़ें आपको रिवाइज होती जाएगी और इम्प्रूवमेंट ऑब्वियसली आएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देख लीजिए यूजेस ऑफ डायमेंशंस, क्या यूजेस होते हैं डायमेंशन के। 2π इज इक्वल टू अंडर रूट एल अपॉन जी, इसे अगर यूजेस के थ्रू सॉल्व करना है, डायमेंशन के थ्रू इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो देख लीजिए। चलिए t इज इक्वल टू 2π अंडर रूट एल अपॉन
जी ये फाइंड करना है हमें, टी इज इक्वल टू 2π√L/g अपॉन जी। तो हमें इन्हें के पहले डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। टी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन। सेकेंड है एल मीन्स लेंथ, एल लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एम जीरो एल वन और टी की पावर जीरो। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला फॉर्मूला होता है अगर देखें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है, तो फॉर्मूला बनेगा एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू, और हियर टू पा इज डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। ओके तो चलिए सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज रख दीजिए, जैसे आपको डायमेंशन फॉर्मूला मिला आप लोग सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा। इस साइड है एम जीरो एल जीरो टी की पावर वन इज इक्वल टू टू पा हटा दीजिए अंडर रूट है एल की एम जीरो एल वन टी की पावर जीरो अपॉन में है एम जीरो एल वन टी की पावर माइनस टू। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो ये तो वही है सेम टर्म अंडर रूट में हो जाएगा, से पार्ट में सॉल्व करेंगे तो एम जीरो रहेगा लेकिन एल की पावर वन है ये जाएगा तो माइनस का वन माइनस वन जीरो, तो एल की पावर जीरो एंड टी की पावर माइनस टू तो ऊपर जाएगा तो प्लस टू। अब जब रूट में से बाहर निकलेगा तो इसकी सेम वैल्यू आएगी बेटा एम जीरो एल जीरो टी की पावर, ये इन दोनों के बीच में हम लोगों ने रिलेशनशिप शो कर दिया। इसका मतलब ये कि डायमेंशन जो है हेंस ये लिख सकते हैं हम लोग हेंस टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। ये बिल्कुल सही है, किसके थ्रू हम लोगों ने ये एप्लीकेशंस हो गए डायमेंशन के। ठीक है ये था हमारा स्टूडेंट चैप्टर नंबर सेकेंड, ओके मेजरमेंट एंड यूनिट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर सेकेंड। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो थी हमारी लेंथ की यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स कैसे फाइंड करते हैं ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और अगर आप लोग क्लास फर्स्ट और क्लास थर्ड को थोड़ा सा मिलाए तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी सीखने को मिलेगी। क्लास फर्स्ट में इसलिए मैंने फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट किया था क्योंकि सारी चीज़ें आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पढ़ा दी हैं, अब वहाँ पर जहाँ यूज़ होगी वहाँ बिल्कुल मैं बोलूँगा, इसलिए फर्स्ट क्लास आपका देखना और बिल्कुल अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और वो होगी यूनिट नंबर सेकेंड। ठीक है जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 110% होगा। ओके थैंक यू सो मच, जय हिंद ऑल ऑफ यू।